गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट आवर चैप्टर फर्स्ट ऑल अबाउट माय मदर। इस चैप्टर में आपको आपकी मदर के बारे में, वो आपके लिए क्या क्या करती हैं, डेली आपको क्या क्या काम करवाती हैं, आपको किस तरह से हेल्प करती हैं और हमारे मदर का हमारी लाइफ में क्या रोल है, उसके बारे में आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा। नाउ वी स्टार्ट रीडिंग विद आवर बुक। माई फ्रेंड, सो डियर। मेरी जो मदर है वो मेरी फ्रेंड है, वो मुझे बहुत प्रिय हैं। थ्रू आउट माई लाइफ यू हैव बीन सो नियर। सारी लाइफ आप मेरे बहुत नज़दीक हैं, आप मेरे हार्ट के नज़दीक हैं, क्योंकि मैं आपको लाइक करता हूँ, करती हूँ। आप मेरा इतना ध्यान रखती हैं, इसलिए आप मेरे हमेशा नज़दीक हैं। एक टेंडर स्माइल टू शो द वे। आपकी जो एक अच्छी सी स्माइल है, आपकी एक जो टेंडर स्माइल है, वो मुझे अपना रास्ता दिखाती है। मदर यू आर द सनशाइन दैट लाइट माई डे। मदर आप एक सनशाइन की तरह है जो मेरे दिनों को लाइट अप करती है। जैसे कि सन हमारे दिन को लाइट अप करता है, जैसे सनशाइन करता है तो हमें पता चलता है दिस इज़ मॉर्निंग, वी ऑल वेक अप एंड स्टार्ट आवर डेली वर्क्स। इस तरह से ही माँ के उपस्थिति से, माँ जो हमारे आसपास है, वो हमारे काम कर रही है, तो उससे हमें एक ऐसा लाइट मिलती है जो हमारे जीवन में को प्रकाशित कर रही है, लाइट अप कर रही है, हमारे जीवन को एक वे दे रही है, दिशा दे रही है। तो माय मदर माय फ्रेंड, मेरी मदर मेरी दोस्त भी है, मुझे बहुत प्रिय है। थ्रू आउट माई लाइफ यू हैव बीन सो नियर। सारी ज़िंदगी आप मेरे साथ रहती हैं, आप मेरे साथ रहेंगी। ए टेंडर स्माइल टू शो द वे। आपकी एक टेंडर स्माइल मुझे मेरा रास्ता दिखाती है कि वे वाट आई डू, वेयर आई गो, ये सारे काम मुझे कैसे करने चाहिए, मेथड ऑफ द वर्किंग, सब कुछ आपकी ये स्माइल मुझे दिखा देती है। मदर यू आर द सनशाइन दैट लाइट माई डे। मदर आप सनशाइन की तरह हैं, जैसे सन पूरी अर्थ को अपनी शाइन से, अपने लाइट से सब कुछ दिखा रहा है, ऐसे आप मुझे सब कुछ, पूरा अर्थ, पूरा वर्ल्ड दिखाती हैं। मम्मा मोम, मम्मी अम्मा और माँ इज़ यूजुअली द फर्स्ट वर्ड ए बेबी अटर्स एज ही शी लर्न टू स्पीक। जैसे ही कोई एक बेबी बोलना सीखता है तो वो सबसे पहले क्या बोलता है, या तो मम्मा बोलता है, या फिर मोम बोलता है, या मम्मी या अम्मा या फिर माँ। यूजुअली सबसे पहले एक बेबी यही वर्ड्स बोलता है, लव केयर अफेक्शन एंड टेंडरनेस आर द फीलिंग और इमोशंस वी कैन एसोसिएट विद एवरी मदर। लव, लव केयर अफेक्शन, माँ हमारे से क्या करती है, प्रेम करती है, लव करती है, एक सच्चा प्रेम, ट्रू लव। उनका टेंडरनेस, उनका जो बिल्कुल शांत व्यवहार है, आर द फीलिंग्स और इमोशंस वी कैन एसोसिएट विद एवरी मदर। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम हर माँ के साथ जोड़ सकते हैं, हर माँ में ये फीलिंग्स होती हैं। वी फील सेफ एंड सिक्योर। हम सेफ, सुरक्षित और सिक्योर महसूस करते हैं इन द कंपनी ऑफ आवर मदर। किसकी कंपनी में, अपनी माँ की कंपनी में। जब भी कोई आपको डांटता है, जब भी कोई आपसे रफ बिहेव करता है, तो सबसे पहले आप माँ के सामने अपनी पूरी सारी सिचुएशन बता देते हैं।
और माँ से सुरक्षा महसूस करते हैं कि अब हमने अपनी मदर को सब कुछ बता दिया, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि मदर के साथ हम सेफ और सिक्योर फील करते हैं। आवर मदर्स इन्फ्लुएंस इज़ गाइडिंग फोर्स फॉर ऑल आवर एक्शन। हमारी जो मदर होती है उसका जो इन्फ्लुएंस है, उसका जो हमारे ऊपर प्रभाव है, इन्फ्लुएंस है, वो एक गाइडिंग फोर्स है जो हमें गाइड करता है कि व्हाट वी डू, हाउ वी डू, हाउ वी वर्क। तो हमारे सारे एक्शन, सारे काम में हमारी मदर का ही रोल होता है। जब आपकी मदर, जो अब आपके पास हैं, वो कभी यंग गर्ल थी, तो जब वो क्या गेम्स खेलती थी, किस तरह से रहती थी, उनकी फैमिली में कौन कौन का था, उनको क्या लाइक था, क्या डिसलाइक था, वो सब इस वाले पैराग्राफ में आपको पूरा समझाया जाएगा। ओके, नाउ वी स्टार्ट। वन डे कैन्या आस्क्ड हर मदर, एक दिन कान्या अपनी मदर से कुछ पूछती है। अब देखिए उसके क्वेश्चंस क्या है। मदर, हाउ वाज योर चाइल्डहुड। मदर, आपका चाइल्डहुड कैसा था, आपका बचपन कैसा था, आप चाइल्डहुड में क्या क्या करती थी। मदर क्या रिप्लाई कर रही है, देखिए। व्हेन आई वाज ए चाइल्ड, जब मैं एक चाइल्ड थी, जब मैं एक छोटी बच्ची थी, आई लिव्ड इन ए बिग जॉइंट फैमिली, मैं एक बड़ी जॉइंट फैमिली में रहती थी। अब हमें ये समझना होगा जॉइंट फैमिली क्या होती है। जॉइंट फैमिली वो होती है बच्चों जिसके अंदर ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, आपके पेरेंट्स, आप, अंकल, आंटी और आपकी कजिन सब मिलकर एक साथ रहते हैं, दैट इज़ जॉइंट फैमिली। और जब मदर, फादर और उनके बच्चे ही रहते हैं तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली या फिर सिंगल फैमिली। तो कान्या की जो मदर है वो कैसी रहती थी, वो एक जॉइंट फैमिली में रहती थी। उनकी फैमिली कैसी थी, उनकी फैमिली जॉइंट थी, उसमें ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, अंकल, आंट और कजिन सब मिलकर रहा करते थे। We had lived in a big house with a garden around it. हम एक बड़े घर में रहते थे, उसकी मदर बता रही है, हम एक बड़े घर में रहते थे और चारों तरफ उस घर के क्या था, एक गार्डन भी था। There was an old mango tree और उसके अंदर एक old mango tree था। Old mango tree, old यानी कि बहुत बड़ा mango tree था। Which have a swing और उस पर एक झूला भी था और झूले पर उनकी मदर स्विंग किया करती थी। कितना मज़ा आता होगा ना। तो अब वो मदर क्या बता रही है, देखिए। I used to play with my cousins all the time। उनकी मदर क्या करती थी, सारा टाइम अपने कजिन्स के साथ खेलती थी। उनको बाहर फ्रेंड बनाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि घर में इतने सारे कजिन्स थे उनके, तो कजिन्स के साथ वो घर में ही सारा टाइम खेलती थी, उन्हीं के साथ स्टडी करती होंगी। राम अंकल, उनके एक अंकल थे जिनका नाम क्या था, राम। राम अंकल यूज़ टू क्लाइंब अप द ट्रीज़, उनको आदत थी कि वो ट्रीज़ पर क्लाइंब अप करते थे, चढ़ते थे, टू प्लक रो मैंगोज, किसके लिए, मैंगोज़ को, रो मैंगोज यानी कि कच्चे आमों को, जिनका पिकल बनता है ना, वो वाले कच्चे आम, उनको तोड़ने के लिए। माई ग्रैंड मदर यूज़ टू मेक पिकल्स एंड चटनीज विद दीज, और मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो इन रो मैंगोज से पिकल, अचार और चटनी बनाया करती थी। अब आगे देखिए कान्या क्या कह रही है। कान्या कह रही है, डिड यू हैव मैनी फ्रेंड्स मदर, क्या आपके बहुत सारे फ्रेंड्स थे मदर। तो मदर कह रही है, आई हैड मैनी ऑफ देम बट आंट नीता वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड थे पर आंट नीता मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। जैसे मैंने आपको बताया कि उनके घर में इतने लोग थे कि बाहर
के लोगों की उनको ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं थी। तो घर में ही देखिए उनकी बेस्ट फ्रेंड कौन है, उनकी आंटी नीता। अब कान्या क्या पूछ रही है, व्हाट गेम्स डिड यू प्ले, आप कौन से गेम्स खेला करती थी। अब देखिए मदर क्या रिप्लाई कर रही है, मदर कह रही है द गेम्स वी प्लेड एंड द टेलीविजन प्रोग्राम्स वी वॉच्ड वर डिफरेंट फ्रॉम वन चिल्ड्रन वॉच दीज डेज। हम जो गेम्स खेला करते थे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट आवर चैप्टर फर्स्ट ऑल अबाउट माय मदर। इस चैप्टर में आपको आपकी मदर के बारे में, वो आपके लिए क्या क्या करती हैं डेली, आपको क्या क्या काम करवाती हैं, आपको किस तरह से हेल्प करती हैं, और हमारे मदर का हमारी लाइफ में क्या रोल है, उसके बारे में आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा। नाउ वी स्टार्ट रीडिंग विद आवर बुक। माई फ्रेंड सो डियर, मेरी जो मदर है वो मेरी फ्रेंड है, वो मुझे बहुत प्रिय हैं। थ्रू आउट माई लाइफ यू हैव बीन सो नियर, सारी लाइफ आप मेरे बहुत नज़दीक हैं, आप मेरे हार्ट के नज़दीक हैं, क्योंकि मैं आपको लाइक करता हूँ करती हूँ, आप मेरा इतना ध्यान रखती हैं, इसलिए आप मेरे हमेशा नज़दीक हैं। एक टेंडर स्माइल टू शो द वे, आपकी जो एक अच्छी सी स्माइल है, आपकी एक जो टेंडर स्माइल है, वो मुझे अपना रास्ता दिखाती है। मदर यू आर द सनशाइन दैट लाइट माई डे, मदर आप एक सनशाइन की तरह है जो मेरे दिनों को लाइट अप करती है। जैसे कि सन हमारे दिन को लाइट अप करता है, जैसे सनशाइन करता है तो हमें पता चलता है दिस इज़ मॉर्निंग, वी ऑल वेक अप एंड स्टार्ट आवर डेली वर्क्स। इस तरह से ही माँ के उपस्थिति से, माँ जो हमारे आसपास है वो हमारे काम कर रही है, तो उससे हमें एक ऐसा लाइट मिलती है जो हमारे जीवन में को प्रकाशित कर रही है, लाइट अप कर रही है, हमारे जीवन को एक वे दे रही है, दिशा दे रही है। तो माय मदर माय फ्रेंड, मेरी मदर मेरी दोस्त भी है, मुझे बहुत प्रिय है। थ्रू आउट माई लाइफ यू हैव बीन सो नियर, सारी ज़िंदगी आप मेरे साथ रहती हैं, आप मेरे साथ रहेंगी। ए टेंडर स्माइल टू शो द वे, आपकी एक टेंडर स्माइल मुझे मेरा रास्ता दिखाती है कि वे व्हाट आई डू वेयर आई गो, ये सारे काम मुझे कैसे करने चाहिए, मेथड ऑफ द वर्किंग, सब कुछ आपकी ये स्माइल मुझे दिखा देती है। मदर यू आर द सनशाइन दैट लाइट माई डे, मदर आप सनशाइन की तरह हैं, जैसे सन पूरी अर्थ को अपने शाइन से अपने लाइट से सब कुछ दिखा रहा है, ऐसे आप मुझे सब कुछ पूरा अर्थ पूरा वर्ल्ड दिखाती हैं। मम्मा मोम मम्मी अम्मा और माँ इज़ यूजुअली द फर्स्ट वर्ड ए बेबी अटर्स एज ही शी लर्न टू स्पीक, जैसे ही कोई एक बेबी बोलना सीखता है तो वो सबसे पहले क्या बोलता है, या तो मम्मा बोलता है या फिर मोम बोलता है या मम्मी या अम्मा या फिर माँ, यूजुअली सबसे पहले एक बेबी यही वर्ड्स बोलता है। लव केयर अफेक्शन एंड टेंडरनेस आर द फीलिंग और इमोशंस वी कैन एसोसिएट विद एवरी मदर। लव लव केयर अफेक्शन, माँ हमारे से क्या करती है, प्रेम करती है, लव करती है, एक सच्चा प्रेम ट्रू लव, उनका टेंडरनेस, उनका जो बिल्कुल शांत व्यवहार है, आर द फीलिंग्स और इमोशंस वी कैन एसोसिएट विद एवरी मदर,
ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम हर माँ के साथ जोड़ सकते हैं, हर माँ में ये फीलिंग्स होती हैं। वी फील सेफ एंड सिक्योर, हम सेफ सुरक्षित और सिक्योर महसूस करते हैं इन द कंपनी ऑफ आवर मदर। किसकी कंपनी में? अपनी माँ की कंपनी में। जब भी कोई आपको डांटता है, जब भी कोई आपसे रफ बिहेव करता है, तो सबसे पहले आप माँ के सामने अपनी पूरी सारी सिचुएशन बता देते हैं और माँ से सुरक्षा महसूस करते हैं कि अब हमने अपनी मदर को सब कुछ बता दिया, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि मदर के साथ हम सेफ और सिक्योर फील करते हैं। आवर मदर्स इन्फ्लुएंस इज़ गाइडिंग फोर्स फॉर ऑल आवर एक्शन। हमारी जो मदर होती है उसका जो इन्फ्लुएंस है, उसका जो हमारे ऊपर प्रभाव है, इन्फ्लुएंस है, वो एक गाइडिंग फोर्स है जो हमें गाइड करता है कि व्हाट वी डू, हाउ वी डू, हाउ वी वर्क। तो हमारे सारे एक्शन, सारे काम में हमारी मदर का ही रोल होता है। जब आपकी मदर, जो अब आपके पास हैं, वो कभी यंग गर्ल थी तो जब वो क्या गेम्स खेलती थी, किस तरह से रहती थी, उनकी फैमिली में कौन कौन का था, उनको क्या लाइक था, क्या डिसलाइक था, वो सब इस वाले पैराग्राफ में आपको पूरा समझाया जाएगा। ओके, नाउ वी स्टार्ट। वन डे कैन्या आस्क्ड हर मदर, एक दिन कान्या अपनी मदर से कुछ पूछती है। अब देखिए उसके क्वेश्चंस क्या है। मदर हाउ वाज योर चाइल्डहुड, मदर आपका चाइल्डहुड कैसा था, आपका बचपन कैसा था, आप चाइल्डहुड में क्या क्या करती थी। मदर क्या रिप्लाई कर रही है देखिए। व्हेन आई वाज ए चाइल्ड, जब मैं एक चाइल्ड थी, जब मैं एक छोटी बच्ची थी, आई लिव्ड इन ए बिग जॉइंट फैमिली, मैं एक बड़ी जॉइंट फैमिली में रहती थी। अब हमें ये समझना होगा जॉइंट फैमिली क्या होती है। जॉइंट फैमिली वो होती है बच्चों जिसके अंदर ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, आपके पेरेंट्स, आप, अंकल, आंटी और आपकी कजिन सब मिलकर एक साथ रहते हैं, दैट इज़ जॉइंट फैमिली। और जब मदर, फादर और उनके बच्चे ही रहते हैं तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली या फिर सिंगल फैमिली। तो कान्या की जो मदर है वो कैसी रहती थी, वो एक जॉइंट फैमिली में रहती थी। उनकी फैमिली कैसी थी, उनकी फैमिली जॉइंट थी, उसमें ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, अंकल, आंट और कजिन सब मिलकर रहा करते थे। We had lived in a big house with a garden around it. हम एक बड़े घर में रहते थे, उसकी मदर बता रही है, हम एक बड़े घर में रहते थे और चारों तरफ उस घर के क्या था, एक गार्डन भी था। There was an old mango tree, और उसके अंदर एक old mango tree था। Old mango tree, old यानी कि बहुत बड़ा mango tree था। Which have a swing, और उस पर एक झूला भी था और झूले पर उनकी मदर स्विंग किया करती थी। कितना मज़ा आता होगा ना। तो अब वो मदर क्या बता रही है देखिए। I used to play with my cousins all the time। उनकी मदर क्या करती थी, सारा टाइम अपने कजिन्स के साथ खेलती थी। उनको बाहर फ्रेंड बनाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि घर में इतने सारे कजिन्स थे उनके, तो कजिन्स के साथ वो घर में ही सारा टाइम खेलती थी, उन्हीं के साथ स्टडी करती होंगी। राम अंकल, उनके एक अंकल थे जिनका नाम क्या था, राम। राम अंकल यूज़ टू क्लाइंब अप द ट्रीज़, उनको आदत थी कि वो ट्रीज़ पर क्लाइंब अप करते थे, चढ़ते थे, टू प्लक रो मैंगोज, किसके लिए, मैंगोज़ को, रो मैंगोज यानी कि कच्चे आमों को, जिनका पिकल बनता है ना वो वाले कच्चे आम, उनको तोड़ने के लिए। माई ग्रैंड मदर
यूज़ टू मेक पिकल्स एंड चटनीज विद दीज। और मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो इन रो मैंगो से पिकल अचार और चटनी बनाया करती थी। अब आगे देखिए कान्या क्या कह रही है। कान्या कह रही है, डिड यू हैव मैनी फ्रेंड्स मदर, क्या आपके बहुत सारे फ्रेंड्स थे मदर। तो मदर कह रही है, आई हैड मैनी ऑफ देम बट आंट नीता वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड थे पर आंट नीता मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। जैसे मैंने आपको बताया कि उनके घर में इतने लोग थे कि बाहर के लोगों की उनको ज़्यादा जरूरत ही नहीं थी। तो घर में ही देखिए उनकी बेस्ट फ्रेंड कौन है, उनकी आंटी नीता। अब कान्या क्या पूछ रही है, व्हाट गेम्स डिड यू प्ले, आप कौन से गेम्स खेला करती थी। अब देखिए मदर क्या रिप्लाई कर रही है। मदर कह रही है, द गेम्स वी प्लेड एंड द टेलीविज़न प्रोग्राम्स वी वॉच्ड वर डिफरेंट फ्रॉम वन चिल्ड्रन वॉच दीज डेज। हम जो गेम्स खेला करते थे, अब देखिए मदर क्या आंसर कर रही है। मदर कह रही है, द गेम्स वी प्लेड एंड द टेलीविज़न प्रोग्राम्स वी वॉच्ड वर डिफरेंट फ्रॉम द वंस चिल्ड्रन वॉच दीज डेज, कि इन दिनों जो प्रोग्राम्स चिल्ड्रन देखते हैं या फिर गेम्स जो चिल्ड्रन खेलते हैं वो हमारे टाइम के, मदर के टाइम के प्रोग्राम्स और गेम्स से डिफरेंट होते थे, अलग होते थे। अब कान्या क्या कह रही है। कान्या कह रही है, वो वर द पीपल यू लिव्ड विथ, वो कौन से लोग थे जिनके साथ आप रहती थी, आपकी फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स थे, कान्या पूछ रही है। अब मदर क्या रिप्लाई कर रही है। देखिए मदर कह रही है, आई लिव्ड विद माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी। आई लिव्ड विद माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी। एंड ग्रैंड पेरेंट्स, और मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा दादी के साथ रहती थी। अंकल आंट एंड कजिन्स, और हमारे साथ अंकल आंट और कजिन्स यानी कि अंकल के बच्चे भी रहते थे। अब कान्या क्या पूछ रही है, वाई डोंट दे लिव विद अस नाउ, वो हमारे साथ अब क्यों नहीं रहते हैं, आपके जो अंकल आंट थे, कजिन्स थे, ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर थे, वो हमारे साथ अब क्यों नहीं रहते हैं। अब देखिए मदर क्या रिप्लाई कर रही है। मदर कह रही है, वेन आई वॉज योर एज, जब मैं आपकी उम्र की थी, आई वेंट टू स्कूल आफ्टर स्कूल, मैं एक स्कूल के बाद दूसरे स्कूल गई। आई वेंट टू कॉलेज, और फिर मैं कॉलेज गई। आफ्टर कंप्लीटिंग माई स्टडीज़, और जब मैंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर ली, आई स्टार्टेड वर्किंग, फिर मैंने क्या किया, वर्क करना शुरू कर दिया, कोई जॉब शुरू कर दी। जैसे आज हम टीचर हैं, इसी तरह से आपकी मदर ने भी कोई जॉब करना शुरू कर दिया। एंड सून गॉट मैरिड, उसके बाद मेरी शादी हो गई, आई गॉट मैरिड, मैंने मैरिज कर ली टू योर फादर, आपके फादर के साथ। एंड हैव बीन लिविंग विद हिम, और उनके साथ रहने लगी। लिविंग माई पेरेंट्स हाउस, और जब एक गर्ल की मैरिज होती है तो बेटा उसको अपना मैटरनल हाउस छोड़ना पड़ता है। तो आपकी मदर ने भी, कान्या आपकी मदर ने भी पेरेंट का हाउस छोड़ दिया और आपके फादर के हाउस में आ गए। अब कान्या कह रही है, डिड सिम्मी बुआ लिव विथ यू, क्या सिम्मी बुआ आपके साथ रहती थी। अब मदर क्या कह रही है, सिम्मी बुआ यानी कि कान्या के फादर की सिस्टर। अब मदर कह रही है, नो डियर, सिम्मी इज़ योर फादर सिस्टर, सिम्मी आपकी फादर की सिस्टर हैं,
आई विल एक्सप्लेन इट टू यू टुमारो बाय ड्रॉइंग आवर फैमिली ट्री। मैं आपको ये सब एक्सप्लेन करूँगी अपना फैमिली ट्री बनाकर कर कि कान्या अब ये पूछ रही है कि सिमी बुआ भी उस टाइम आपके पास रहती थी, तो उसकी मदर कह रही है नहीं, क्योंकि वो आपके फादर की सिस्टर है। फादर की सिस्टर मदर के हाउस में कैसे रह सकती है बिफोर मैरिज? तो अब मदर कह रही है कि कल मैं आपको फैमिली ट्री, जैसे कि हमने आपको फैमिली ट्री बनवाया ना प्रोजेक्ट में, इस तरह का फैमिली ट्री बनाकर आपको कल सारा एक्सप्लेन करूँगी कि कौन कैसे कैसे कहाँ कहाँ रहता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम भी आपको फैमिली ट्री बनाकर सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। अब पेज नंबर 10 तक आज हमारा कंप्लीट हो गया, इसको आप रीड करना, हम फिर से आपको एक वीडियो सेंड करेंगे नेक्स्ट पेज के लिए। ओके ओके चिल्ड्रन, बाय। अब देखिए मदर क्या आंसर कर रही है। मदर कह रही है द गेम्स वी प्लेड एंड द टेलीविज़न प्रोग्राम्स वी वॉच्ड वर डिफरेंट फ्रॉम द वंस चिल्ड्रन वॉच दीज डेज। कि इन दिनों जो प्रोग्राम्स चिल्ड्रन देखते हैं या फिर गेम्स जो चिल्ड्रन खेलते हैं, वो हमारे टाइम के, मदर के टाइम के प्रोग्राम्स और गेम्स से डिफरेंट होते थे, अलग होते थे। अब कान्या क्या कह रही है? कान्या कह रही है वो वर द पीपल यू लिव्ड विथ। वो कौन से लोग थे जिनके साथ आप रहती थी? आपकी फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स थे, कान्या पूछ रही है। अब मदर क्या रिप्लाई कर रही है? देखिए मदर कह रही है आई लिव्ड विद माई पेरेंट्स। मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी। आई लिव्ड विद माई पेरेंट्स। मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी। एंड ग्रैंड पेरेंट्स, और मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा दादी के साथ रहती थी। अंकल आंट एंड कजिन्स, और हमारे साथ अंकल आंट और कजिन्स यानी कि अंकल के बच्चे भी रहते थे। अब कान्या क्या पूछ रही है? वाई डोंट दे लिव विद अस नाउ। वो हमारे साथ अब क्यों नहीं रहते हैं? आपके जो अंकल आंट थे, कजिन्स थे, ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर थे, वो हमारे साथ अब क्यों नहीं रहते हैं? अब देखिए मदर क्या रिप्लाई कर रही है। मदर कह रही है वेन आई वॉज योर एज, जब मैं आपकी उम्र की थी, आई वेंट टू स्कूल आफ्टर स्कूल, मैं एक स्कूल के बाद दूसरे स्कूल गई। आई वेंट टू कॉलेज, और फिर मैं कॉलेज गई। आफ्टर कंप्लीटिंग माई स्टडीज़, और जब मैंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर ली, आई स्टार्टेड वर्किंग। फिर मैंने क्या किया? वर्क करना शुरू कर दिया, कोई जॉब शुरू कर दी। जैसे आज हम टीचर हैं, इसी तरह से आपकी मदर ने भी कोई जॉब करना शुरू कर दिया। एंड सून गॉट मैरिड, उसके बाद मेरी शादी हो गई। आई गॉट मैरिड, मैंने मैरिज कर ली। टू योर फादर, आपके फादर के साथ। एंड हैव बीन लिविंग विद हिम, और उनके साथ रहने लगी। लिविंग माई पेरेंट्स हाउस, और जब एक गर्ल की मैरिज होती है तो बेटा उसको अपना मैटरनल हाउस छोड़ना पड़ता है। तो आपकी मदर ने भी, कान्या आपकी मदर ने भी पेरेंट का हाउस छोड़ दिया और आपके फादर के हाउस में आ गए। अब कान्या कह रही है डिड सिमी बुआ लिव विथ यू, क्या सिमी बुआ आपके साथ रहती थी? अब मदर क्या कह रही है? सिमी बुआ यानी कि कान्या के फादर की सिस्टर। अब मदर कह रही है नो डियर, सिमी इज़ योर फादर सिस्टर। सिमी आपकी फादर की सिस्टर हैं। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू टुमारो बाय ड्रॉइंग आवर फैमिली ट्री। मैं आपको ये सब एक्सप्लेन करूँगी अपना फैमिली ट्री बनाकर कर कि कान्या अब ये पूछ रही है कि सिमी बुआ भी उस टाइम आपके पास रहती थी,
तो उसकी मदर कह रही है नहीं, क्योंकि वो आपके फादर की सिस्टर है, फादर की सिस्टर मदर के हाउस में कैसे रह सकती है बिफोर मैरिज। तो अब मदर कह रही है कि कल मैं आपको फैमिली ट्री, जैसे कि हमने आपको फैमिली ट्री बनवाया ना प्रोजेक्ट में, इस तरह का फैमिली ट्री बनाकर आपको कल सारा एक्सप्लेन करूँगी कि कौन कैसे कैसे कहाँ कहाँ रहता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम भी आपको फैमिली ट्री बनाकर सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। अब पेज नंबर 10 तक आज हमारा कंप्लीट हो गया, इसको आप रीड करना, हम फिर से आपको एक वीडियो सेंड करेंगे नेक्स्ट पेज के लिए। ओके ओके चिल्ड्रन, बाय।